कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में रूप यादव उर्फ चाकू निवासी ग्राम मालाखेड़ी जिला होशंगाबाद के विरुद्ध धोखाधड़ी अमानत में खयानत का अपराध दर्ज किया है। ST/ST एक्ट में भी अपराध की धाराएं लगाई गई हैं। दरअसल एक शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसके पड़ोसी गांव के रहने वाले युवक के साथ पहले उसके प्रेम प्रसंग थी, लव स्टोरी चल रही थी। शादी के बाद से उससे उसने संबंध तोड़ दिया, लेकिन वह उससे इमोशनल फिर भी अटैच थी। एक दिन उसने फोन कर अपनी समस्या बताई, इमोशनल ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे तो उसने अपनी ज्वेलरी जो वो ससुराल लेकर आई थी उसे दे दी। उस युवक ने उसे भरोसा दिलवाया रूप यादव उर्फ चाकू ने कि वह उसे ज्वेलरी लौटा देगा, फिलहाल वह ज्वेलरी गिरवी रख रहा है। लेकिन रुद्र उर्फ चाकू ने ऐसा नहीं किया और उसकी ज्वेलरी उसने असल में बेच दी। कहानी यह है कि खंडवा के एक शादीशुदा परिवार की महिला ने अपने प्रेमी रह चुके एक युवक के खिलाफ एफआईआर कराई, जैसा कि हमने आपको बताया, और शादी के बाद से दिल में नफरत पाल चुके प्रेमी ने बदले की भावना से पैसे की तंगी बताई। प्रेमिका के सामने इमोशनल सीन क्रिएट किया कि वो दुनिया छोड़कर चला जाएगा और कुछ गलत हरकत कर लेगा। महिला भी इमोशनल ब्लैकमेल हो गई और उसने अपने ससुराल में लेकर आई सारी ज्वेलरी उसके पास जाकर उसे सौंप दी, और ज्वेलरी की लिस्ट काफ़ी लंबी है जो पुलिस ने दर्ज की है। पुलिस शिकायत में दर्ज कराई गई ज्वेलरी की रिपोर्ट के अनुसार 5 नग सोने के हार हैं, 1 सोने की चेन है, 3 सोने की अंगूठी है, 3 जोड़ी सोने की झुमकी है, 1 जोड़ी कंगन है, 3 चांदी की करदनी है, 2 सोने के लॉकेट भी हैं और 2 चांदी की पायल भी हैं। लगभग 10 लाख रुपए कीमत का गोल्ड पुलिस को इस महिला ने लिस्ट में बताया है। जब भी वो रकम वापस मांगती थी तब वो गंदी गंदी गालियां देने लगता था और कई बार तो उसे धमकी भी दे डाली कि वो उसे निपटा देगा। पुलिस ने इस मामले में FIR रजिस्टर्ड की है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर उससे माल बरामद करने की बात कही है। कुल मिलाकर महिला की लव स्टोरी थी, शादी हुई, शादी के बाद महिला अपने पति के घर खंडवा गई, फिर जब उस लड़के का फोन आया तो उससे इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच थी, दिल के कोने में उसके प्रति प्रेम था और उसी कोने में प्रेम वाली कहानी के चलते उसने उसे अपनी पूरी ज्वेलरी जो वो ससुराल में लाई थी यहाँ से गायब करके उसे सौंप दी, और फाइनली इसके साथ महिला के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो गई और अब वो पछता भी रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।